हाँ आज कुछ मैं थोड़ी अच्छी लग रही हूँ थोड़ी सी एंड मैं गेस्ट अपीयरेंस करने आई हूँ सरकार राज में. सो आप लोग के बीच बहुत जल्दी फिल्म आएगी सरकार राज. तो इसमें स्टारिंग है पवन सिंह एंड मोनालिसा एंड काफ़ी एक्टर्स है इसमें जाने माने. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड प्रदीप जी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी मूवी का हिस्सा बनाया. एंड आपको बहुत जल्द आपको मेरा और पवन जी का गाना जैसे छलकता हिट हुआ था वैसे ही और एक गाना हम आपके लिए ला रहे हैं. सो आप बहुत एंजॉय करेंगे एंड गॉड ब्लेस मी. पवन जी के साथ बात करें कैसे कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है उनके साथ और काफ़ी फिल्में आप लोग देख चुके हैं और बहुत हिट रही है हमारी पैर एंड आगे भी हम फिल्म्स कर रहे हैं. सो अच्छा लग रहा है और बहुत काफ़ी टाइम बाद हम साथ में कर रहे हैं. सो आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. आपकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो मेरी फिल्म आ रही है मेहंदी लगा के रखना एंड एक फिल्म जो अभी शूट करने में जा रही हूँ वो है दुल्हन चाही दुल्हन गंगा पार के. सो बहुत जल्द वो भी आपके बीच आएगी और मेरी फिल्म एक और है हीरो गिरी बहुत जल्द आप लोग के बीच आएगी. दर्शकों से क्या कहेंगे अपने फिल्म कहना चाहूँगी बस यही और हमेशा कहती हूँ कि आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मुझ पर बनाए रखिए और मैं सारी कोशिश कर रही हूँ पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सबको एंटरटेन करने की और मैं नहीं चाहूँगी कि कभी मैं आपको निराश करूँ एंड बस आप मुझे लाइक करते हैं ढेर सारा प्यार करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच. तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए एंड बस हमेशा इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए. और आपकी जो फिल्म है चर्चा की विषय है मेहंदी लगा के रखना मेरी लाइफ की बहुत ही एक बेहतरीन फिल्म मैं मानूंगी इसको. लाइक हमने इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो हमने पहले नहीं की है. सो आप जब देखेंगे तब आपको मतलब समझिएगा. सो आप सब लोग ज़रूर देखिए मेहंदी लगा के रखना बहुत ही प्यारी स्टोरी है और उस स्टोरी को मैंने जिया है एंड बहुत अच्छी स्टोरी है कुछ मतलब बस वर्ड्स नहीं है लेकिन आप देखिए ज़रूर और बहुत जल्द आपके बीच में आएगी छठ के पास. हाँ रिलीज करेंगे सो आप देखिए जरूर उस फिल्म को. आज इस सेट पे आपके साथ एक प्यारा सा आपका दोस्त है क्या कहना चाहेंगे कि आपने मेरा दोस्त अभी इंट्रोड्यूस किया था आपने हनी ये मेरी दोस्त नहीं है मेरी बेटी है मैंने उसको गोद लिया है. सो और मैं बहुत रोई हूँ उसके लिए. तो मम्मी हमेशा मुझे मतलब जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ या पास में रहती हूँ तो मैं उससे दूर नहीं रहती हूँ तो हमेशा मेरे साथ रहती है लेकिन कभी आउटडोर जाना होता है दूर होते हैं हम तो फिर उसके साथ नहीं रह पाती हूँ. तो जब भी वो मेरे पास रहती है मैं बहुत खुश रहती हूँ और बहुत लाइक करती हूँ मैं डॉग्स एनिमल्स मुझे बहुत पसंद है और आप सबको भी पसंद होंगे. एंड आप जब भी टाइट फील करते हो या कुछ भी हो तो हम घर जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है जब वो हमारे पास आते हैं कितने भी टेंशन में होते हैं तो उनको देख के हम रिलीफ हो जाते हैं. सो अच्छा लगता है. थैंक यू. इंट्रोड्यूस कराइए हनी से. हनी शी माय हनी से हाय. हेलो मम्मा मम्मा हेलो हनी ये मेरा गोलू मोलू हनू है इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ सबकी जान है घर में मेरी बेटी है क्यूट शी जो हमेशा मेरे साथ रहती है मेरे साथ खाती है मेरे साथ सोती है बहुत क्यूट है सोती है तो पेट पैक बैठ जाती है हाँ मस्ती बहुत करती है. से बाय सिया सिया सीताराम बोलो सीताराम ना बोले मम्मी ने खाली सीताराम बोले बस गुंडू गुंडू